मैनपुरी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में अमानक स्तर के पटाखों को जब्त किया गया है। मैनपुरी में दीपावली के मद्देनजर प्रशासन ने लगातार सर्चिंग अभियान चलाए रखा है। प्रशासन के निशाने पर वे व्यापारी हैं जो अमानक स्तर के पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को प्रशासन ने पटाखा कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान चार दुकानों पर प्रतिबंधित पटाखों का जखीरा मिला है। यहाँ लेवल ग्रीन क्रैकर के QR कोड भी स्कैन नहीं हुए, जिसके बाद टीम ने इन पटाखों को जब्त कर लिया। इन पटाखों से प्रदूषण का खतरा था। टीम ने यहां से करीब 4 लाख रुपए के पटाखों को जब्त किया। प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। शासन के निर्देशों पे, तो जैसा कि हमको पता है कि दिवाली का फेस्टिवल नियर अराउंड है, इस पे कोई भी जनहानि ना होने पाए, प्रतिबंधित क्रैकर्स ना हो, पोल्यूशन नॉर्म्स और फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फुल्ली फॉलो किया जाए, इसके लिए छापामार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ मैनपुरी में स्थित जो गोदाम है और जो शॉप्स हैं उनको हमने चेक किया है। कई शॉप्स पर हमें विदाउट लीरी लोगो एंड विदाउट एनी QR स्कैन, यानी लोकल क्रैकर्स जो ब्रांड हैं वो मिले हैं। एज अ रिजल्ट हमने उन्हें कॉन्फिस्केट किया है। जो गोदाम पे चेक किया गया है वहाँ पे भी हम लोग को कई सारे ऐसे मिले हैं जिन पे लोगो जो है वो स्कैन नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट हमने उसको फिलहाल क्लोज कर दिया सो दैट आवर टीम कम्स एंड प्रॉपर चेकिंग हो सके। कितना भंडारण रहा होगा जो इस तरीके से आपने चेक किया? ये मात्रा अभी चेक की जाएगी। लगभग 2 शॉप से और 1 गोदाम से हम लोगों ने कॉन्फिस्केट किया। ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी? बिल्कुल चलेगी, दिवाली तक ये कार्रवाई चलेगी ताकि कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी हादसा ना हो। क्या जो आपने जिन चेक किया है उन पे कोई स्थगन का आदेश दिया कि अभी रोक नहीं, इन पे कोई सेल? जो कॉन्फिस्केट किए गए हैं वो ऑब्वियसली कॉन्फिस्केट करके नष्ट कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। जो बाकी ग्रीन क्रैकर्स हैं दे कैन कंटिन्यू।